हाई पास फिल्टर्स। अब तक हमने किया है लो पास फिल्टर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की। देखिए अब हम हाई पास फिल्टर्स जो कि होंगे थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर के, वो देखते हैं। देखिए जो फिल्टर में जो गेन होता है, जितने में उसमें चेंज होता है पर रेट में, वो 20 dB पर डिकेड होता है फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर्स के लिए, और सेकेंड ऑर्डर फिल्टर्स के लिए 40 dB पर डिकेड होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे फिल्टर्स के ऑर्डर इंक्रीज होंगे, यानी कि जब फर्स्ट पे 20 dB था, सेकेंड पे 40 dB था, अगर हम थर्ड पे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 60 dB हो जाएगा। यानी जो जैसे जैसे फिल्टर इंक्रीज होता है, वैसे उसका जो डिकेड होता है, डीबी होता है, वो भी क्या होता है, उसके रेट में भी इंक्रीमेंट आती है, जो क्या शो करता है, स्टॉप बैंड रिस्पॉन्स को। वो जितनी भी डीबी में जितना भी चेंज आएगा, वो स्टॉप बैंड रिस्पॉन्स को शो करेगा फिल्टर में, जो आइडियल स्टॉप बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। इसमें देखते हैं हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑर्डर के हाई पास फिल्टर्स जो होते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्ड ऑर्डर लो पास फिल्टर्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है। सीरीज में जब फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर को जोड़ देते हैं, ये जो है हमारा है फर्स्ट ऑर्डर लो पास सेक्शन, और नेक्स्ट है उनको सीरीज में जोड़ना है, ये है हमारा सेकंड ऑर्डर लो पास सेक्शन। जब इन दोनों को आपस में सीरीज में जोड़ते हैं, ये हम कर चुके हैं, तब हमारा बनता है थर्ड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ ऑर्डर का बनाना चाहते हैं, तो फोर्थ ऑर्डर के लिए भी टू कास्टिंग होगी, कास्केड करेंगे। इसमें क्या होगा कि जब सेकंड ऑर्डर लो पास सेक्शन को, यानी कि टू सेकंड ऑर्डर लो पास सेक्शन चाहिए, ये है फर्स्ट सेक्शन और ये है सेकंड सेक्शन, ये दोनों है सेकंड ऑर्डर लो पास सेक्शन, ये भी सेकंड ऑर्डर लो पास सेक्शन, ये भी सेकंड ऑर्डर लो पास सेक्शन। ये करें जब दो सेकंड ऑर्डर लो पास सेक्शन आपस में मिलते हैं सीरीज में, तो वो बनाते हैं फोर्थ ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर। यानी कि हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को मिलाकर हम थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर फिल्टर्स को बना सकते हैं, जितना जितना भी हम चाहें उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और जो डिफरेंस होगा, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आता है, जो भी स्टॉप बैंड रिस्पॉन्स होगा, वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे फिल्टर के ऑर्डर्स इंक्रीज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब इसमें देखिए कि जब हमारे फोर्थ ऑर्डर फिल्टर में फर्स्ट फिल्टर का जो गेन है, यानी कि ये जो फिल्टर है इसका जो गेन है वो है 1.152, और सेकेंड ऑर्डर सेक्शन का गेन है 2.235, तो इसका जो ओवरऑल गेन होगा वो क्या होगा, 1.125 इंटू 2.235 इज इक्वल टू 2.57, यानी कि इन दोनों के कास्टिंग से आ रहा है ना, कास्केडिंग कर रहे हैं तभी तो हमारे पास आ रहा है, तो इन दोनों से हमारे पास ओवरऑल गेन प्रोड्यूस होता है। जो फ्रिक्वेंसी डिटरमाइनिंग रेजिस्टर्स होते हैं और कैपेसिटर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होगी फोर्थ ऑर्डर फिल्टर्स के लिए और जो हमारे थर्ड ऑर्डर फिल्टर दोनों की सेम होगी। कैसे, देखिए इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो कि गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में ड्रॉ किया जाएगा। हम क्या बात कर रहे हैं इसमें थर्ड ऑर्डर की, तो ये क्या शो कर रहा है, ये है हमारा पास बैंड और ये है स्टॉप बैंड, और ये क्या है, हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये शो कर रहा है थर्ड ऑर्डर के लिए जो कि -60 dB पर डिकेड है, और इनमें जो गैप होगा ये क्या शो करेगा, ये 3 dB का होगा, 3 dB शो करता है, और जो मैग्नीट्यूड होगा, गेन होगा, गेन मैग्नीट्यूड वो होगा 0.707 AF, ठीक है। और इस टाइम पे ये क्या है, ये गेन को शो कर रहा है, जिसमें इसमें और इसमें जो डिफरेंस होगा वो 3 dB का होगा। और अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करें, हम फोर्थ ऑर्डर पे आते हैं, तो ये कर्व डाउन हो जाता है और ये इसका डिकेड क्या होगा, 80 dB पर डिकेड फोर्थ ऑर्डर के लिए। यानी अगर हम फिफ्थ की बात कर रहे हैं तो क्या 20
और आ जाएंगे इसमें 100 dB per decade. इस तरह से हमारे पास एक आइडियल रिस्पॉन्स मिलता है, यानी फिल्टर अप्रोच करता है एक आइडियल स्टॉप बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स को. यह हमारा हाई पास फिल्टर, ये शो करेगा, ये वाला कर्व शो कर रहा है थर्ड ऑर्डर लो पास फिल्टर को, ये शो कर रहा है फोर्थ ऑर्डर लो पास फिल्टर को. और इसमें जो हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, यानी ये पॉइंट जिसके बाद ये क्या होगा पास बैंड और इसके बाद स्टॉप बैंड आएगा, तो जो हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी ये वाली फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शो करेंगे 1/2πRC से. ये हमारे हाई पास फिल्टर्स. देखिए इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने ये हाई पास फिल्टर्स किए हैं थर्ड ऑर्डर लो पास फिल्टर और फोर्थ ऑर्डर लो पास फिल्टर, ऐसे ही हम थर्ड ऑर्डर हाई पास फिल्टर और फोर्थ ऑर्डर हाई पास फिल्टर भी फॉर्म कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.